डेनमार्क पहुंच चुका हूं एंड आपको यहां से, आप शेयर टैक्सी करते हो तो आपको यहां से चेंज करना होगा गुलमर्ग के लिए, और मैं आपको आगे बताते जाऊंगा, वीडियो में बने रहना। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड मैं आज आया हूँ गुलमर्ग एंड मैं आज कोशिश करूँगा कि आप सबको ये जो व्यू आप देख रहे हैं इनको पूरा एक्सप्लोर करवाने के लिए, एंड मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता रहूँगा कि गुलमर्ग बजट में कैसे हम ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूँ कि आप जब जैसे एयरपोर्ट से आते हो तो वहाँ से बहुत सारे लोकल बसें चलती है, आप TRC तक भी आ सकते हो जो बस स्टैंड है, अदरवाइज़ आप वहाँ से ऑटो करके बटमालू करके एक जगह है वहाँ आप जा सकते हो। एंड वेल, आप जब बटमालू पहुँच जाते हो तो फिर आप वहाँ से टवेरा जो होता है शेयर टैक्सी वो करके आप तनमर्ग आ सकते हो, एंड उसमें जो आपका खर्चा पड़ेगा वो आपको कॉस्ट पड़ेगा मुश्किल से 100 या 150। वेल, आपको एकोमोडेशन भी बहुत मिल जाएंगे यहाँ, बट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है गुलमर्ग, सो ऑनलाइन आप चेक कर लें, एंड इफ़ यू गेट समथिंग इन रीजनेबल प्राइस देन यू कैन डेफिनेटली स्टे इन दिस प्लेस। अदरवाइज मैं तो पर्सनली रेकमेंड करूँगा अगेन कि आप श्रीनगर में रहें एक दिन के लिए, यहाँ आए एंड देन शाम को वापस चले जाएँ। गाइस, अब हम आए हैं गोंडोला राइड के लिए एंड मैं आपको उसका प्राइस एंड कहां कहां तक हम जा सकते हैं और क्या एक्टिविटी कर सकते हैं कोशिश करूंगा सारे बताने के लिए। सो फाइनली मैं गोंडोला राइड के लिए जा रहा हूं एंड आपको अंदर दिखाता हूं कैसा होते हैं, इसके प्राइस भी बता दूंगा। कोशिश करना जल्दी आने के लिए, अदरवाइज आपको इस तरह के लाइन में लगना पड़ेगा। सो अब हम फाइनली गोंडोला राइड में बैठ चुका है एंड मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ दो फेज है, एक जो है आपका फर्स्ट फेज जिसमें आपका पैसा लगता है 740 रुपीज़, एंड आप उसके बाद उससे ऊपर जाना चाहोगे जहाँ पे 12 महीने आपका बर्फ रहता है उसमें अगर जाना चाहोगे आपको पड़ेगा 1690, तो इस बात का ध्यान रखना। एंड आप जब यहाँ आओगे तो इस नज़ारे का आनंद उठा सकते हो और ये वन टाइम एक्सपीरियंस है, आप जरूर आना। सो मार्च के टाइम इस तरह के नज़ारे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ। जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो आपका फेज़ वन में होता है, तो फेज़ टू में आपको जाना है तो बस आपको बर्फ़ देखना हो तो वहाँ आप जा सकते हो, अदरवाइज वहाँ कुछ ऐसा खास नहीं है। एंड फाइनली ये रहा आपका फेज वन एंड यहाँ सारे एक्टिविटीज होते हैं। इस टाइम मैं जब आया हूँ तो काफ़ी भीड़ है, लास्ट टाइम जब मैं आया था दिसंबर में तो उस वक्त इतना भीड़ नहीं था। ऐसे खाने पीने को भी मिल जाएगा ऊपर फेज़ वन में एंड बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ें भी मिलेंगे आपको। एंड गाइस, यहाँ है आपका स्नो मोबाइल टिकट काउंटर, आप वहाँ गोंडोला से उतर के किसी से बात करके मत आना, यहाँ आप आके सीधा पूछ सकते हो, यहाँ पे फिक्स रेट लिखा हुआ रहता है तो आप कभी बेवकूफ मत बनना यहाँ आके। एंड आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ तीन पॉइंट्स है, पहला पॉइंट में आपका है 1200 जो फर्स्ट पॉइंट है, एंड उसके बाद से है दूसरा सेकेंड पॉइंट जहाँ पर आपका 1700 है, एंड जो आपका थर्ड पॉइंट है वहाँ पे आपका होगा 2000 पर पर्सन, और ड्राइवर एंड एक पर्सन ही पीछे बैठ सकते हैं। यहाँ आपको यूँ ही मौसम बदलता हुआ हमेशा पाएगा, आप देख सकते हो, और लोगों की बहुत आवाज़ है क्योंकि मैं लाइन में खड़ा हूँ। वैसे मैंने कोई एक्टिविटी ट्राई नहीं किया था तो आज सोच रहा हूँ आज करके देखता हूँ, तो जा रहे हैं पॉइंट टू में, डिस्काउंट करवा के हमने 1500 में पर पर्सन करवाया है जो कि एक्चुअल प्राइस है 1700, तो डिस्काउंट करना तो नेगोशिएशन करना ज़रूरी है, तो इस बात का ध्यान।
गाइस तो फाइनली हम एक पॉइंट में पहुंचे हैं और जब यहां आते हो तो फॉर एन एग्जांपल स्नो बाइक के लिए तो आपको यहां फोटो सेशन के लिए भी टाइम दिया जाता है, जैसे मेरा फ्रेंड वहां कर रहे हैं एंड मैं दूसरे वाले में, क्योंकि हम दोनों ने एक ही पॉइंट चुना था तो हम दोनों का साथ साथ बाइक में आओगे तो आपको यहाँ की नज़ारे ऐसे देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको फेज़ वन के पास रहते हो तो इतना खूबसूरत नज़ारे देखने को नहीं मिलता, इतना शांति। I got time, it's clear to see from up here. वेल गाइस अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बट मैं ये आपको बस सजेस्ट करूँगा कि आप जब जाते हो तो अपना फ़ोन को बिल्कुल संभाल कर रखना, क्योंकि ये जितना दिखने में स्मूथ है उतना है नहीं, क्योंकि आप जब वहाँ बैठते तो बहुत अनस्टेबल होते हैं, बहुत शेकी है, तो आप अपना फ़ोन को बहुत ही केयरफुल रखना अगर आपको वीडियो बनानी है, सेल्फी लेनी है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जब पॉइंट्स में रुकते हैं तो आप उस समय आप बना सकते हो, चलते हुए आप अवॉइड करें। गाइस तो गोंडोला राइड से फाइनली नीचे आ चुका हूँ और मैं आपको कुछ बताता हूँ इसके बारे में। गाइस आप अगर फेज़ वन जाते हो और वहाँ पे आप स्लेज करते हो तो आपको पड़ेगा 550 एंड ऊपर से नीचे यहाँ नीचे तक गुलमर्ग में आने में आपको पड़ेगा 1500, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो दूसरी बात यह है कि आप जब गोंडोला राइड के लिए जाते हो तो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, इसका टाइमिंग होता है सुबह 9 बजे से शाम को आपको लास्ट टिकट जो मिलेगा वो 3:30 बजे मिलेगा, उसके बाद से गंडोला बंद हो जाता है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो चाह रहे थे कि गोंडोला राइड करूं बट पहुंचने में काफ़ी देर हो गए इसलिए वो कर नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। श्रीनगर से गुलमर्ग पहुंचने के लिए जो टैक्सी होता है वो यूजुअली चार्ज करता है 2500 से आपका 3000 एंड आपको जो टैक्सी है वो TRC से आराम से मिल जाएंगे या आप कोई भी ट्रैवल एजेंट से यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बट आपको एटलीस्ट प्राइस तो आइडिया रहनी चाहिए कि कितना लगेगा आपको। मैं आप सबको और एक चीज़ बताना भूल गया, अगर आपको यहाँ स्केटिंग करना है तो फेज़ वन में होता है एंड वो आपका कॉस्ट पड़ता है 1000 से लेकर 2000 के बीच तक, तो आप जो आपको अच्छा लगे आप वही ट्राई करना एंड प्लीज़ आने से पहले आप एक बार रेट हर जगह चेक करना, क्योंकि यहाँ बहुत निगोशिएशन करना पड़ता है। फाइनली मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि कश्मीर बहुत ही ब्यूटीफुल है, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन गुलमर्ग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो यहाँ बहुत लूटपाट होते हैं इन टर्म्स ऑफ पैसा, क्योंकि वो चाहते हैं कि टूरिस्ट आए तो उनसे बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लूट लूँ, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना और हो सके तो जितना हो सके निगोशिएशन करना, भले ही एक फेल हो दूसरा फेल हो बट तीसरे टाइम आई एम श्योर दैट यू नो आपको अच्छा प्राइस में मिल जाएगा एक्टिविटीज़ करने के लिए। सो अगेन विद दिस mesmerizing व्यू आई जस्ट want टू टेल यू कि इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि आप लोग मुझे लाइक कर देते हो सब्सक्राइब कर देते हो तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं आप सबको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखना, बाय। It's clear to see